आधा दर्जन सपा समर्थित दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक परिवार पर बोला जानलेवा हमला। हमले से दो लोगों के हाथ टूटे, कई लोग घायल। पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो गांव से पलायन कर मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठूंगा। खबर कानपुर से। थाना भोगनीपुर के ग्राम सुजगवा में सपा समर्थित आधा दर्जन दबंग अपराधियों ने भाजपा समर्थित परिवार पर घर में घुसकर एक विकलांग श्याम बिहारी, उसकी बहु पत्नी सहित कई लोगों पर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से लैस होकर प्राण घातक हमला बोलकर बुरी तरह मारा पीटा है। दबंगों की मारपीट से श्याम बिहारी उसकी बहू का हाथ टूटे तथा बुरी तरह घायल है। वही पत्नी सहित कई लोग बुरी तरह घायल हुए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। अस्पताल में पीड़ित जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी तिवारी जी ने पीड़ित परिवार को वापस कर दिया कि कोई अधिकारी कार्यालय में नहीं है। कलाना पीड़ित परिवार न्याय की आस लिए वापस चलाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बताया कि मैं दबंग अपराधियों की मार से 3 दिन से परेशान घूम रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि शीघ्र दबंग अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो गांव से पलायन कर मुख्यमंत्री की चौखट पर धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदार कानपुर देहात पुलिस प्रशासन होगी। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पीएम दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा श्याम बिहारी नाम है। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ सर, मेरा 97 में दो बहन का अपहरण करके मर्डर किया था। कल्याण सिंह ने, हिमांशु ने, अदर सिंह प्रधान ने, कल्याण सिंह ने पूरे परिवार में किया। इनका परिवार 250-300 आदमी का है। साहब तो बोलते हम तुम लोगों को ही जान से मार देंगे। जीतू यादव, मंजय प्रधान, गुड्डू पेंटर, इनका 250 आदमी परिवार है सर। कहते हैं गाँव में नहीं रहने देंगे, जान से मार देंगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ, मैं गुजरात से 1.5-2 महीना बाद आया सर। पूरी इनकी यूनियन थी, जैसे मैं गांव से घर गया, मेरे घर से आके हमको जान से मारने की मारे दिया था हमको। तो मैं तो बच्चों के भाग नसीब से बच गया सर, हमको तो मरा मराया छोड़ा है घर पे। आज कहाँ है अब? आज मैं SP वापस आया हूँ सर के पास। तो SP साहब मिले? SP साहब नहीं मिले, एक साहब मिले थे, वो बोले 12 बजे आए, वो टाइम हो गया तिवारी जी करके, बोले कल लाना, कल साहब आपको मिलेंगे, आपकी सुनवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित यादव। कहाँ रहते हो? सुजगवा। क्या हुआ? हमारे भाई को अपाहिज है, जो कि विकलांग है, चलने में सक्षम नहीं है, और गांव में हमारे कुटुंब कबीले चलते हैं, तो जो अधिकतम कुटुंब वाला परिवार है, यादव परिवार, मुखिया परिवार तथा उनके कुछ रिश्तेदार, दो कुटुंबों ने मिल करके और मात्र एक घर वाले अल्पसंख्यक परिवार के अपाहिज व्यक्ति को, हमारी भाभियों को, हमारे भतीजों को, हमारी बेटियों को बहुत दुर्दांत दानों बन करके बहुत अत्याचार के साथ, बेरहमी के साथ मारा, और मारने के बाद जो है हमारी भाभियों के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया साहब। हम बहुत मजबूर और परेशान होकर के कानून की चौखट पे दरवाजे खटखटाते घूम रहे हैं। अंतिम विकल्प के रूप में हम अपने सब रिश्तेदार एकत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके और आमरण अनशन करेंगे तथा जो है आत्मदाय की कोशिश करेंगे, वहीं पर आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे, और बस चलेगा तो वहीं आत्महत्या कर लेंगे साहब। जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है साहब। हम किसान लोग हैं, अच्छे लोग हैं साहब, मेहनत की रोटी कमाते हैं। वो दौलतमंद और समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित, हिमांशु यादव सहित, कल्याण यादव सहित, और एक नेता समाजवादी पार्टी के मोनू यादव सहित, पूरी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे लल्ला यादव है, ये सारे नेता मिलकर के थाने में पहुंच करके कहते हैं कि साहब जो है इनकी रिपोर्ट मत लिखो, हैं ये अल्पसंख्यक है, इनको भगा दो यहाँ से। और खुद हमारे हलके का इंचार्ज चैन नारायण पटेल, चैन पाल कहते हैं, वो कहता है कि तुम लोग जो है अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, नहीं तुमको जमीन है, तुम्हारे पास 10 बिसुआ जमीन है। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, यदि बड़े आदमी हैं तो साहब किसी को रहने नहीं देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी आदमी को जीने नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? संवैधानिक देश है, लोकतंत्र का ये भारत है, लोकतंत्र में हम भी एक मतदाता हैं, सरकार बनने में हमारा भी हिस्सा है, हमारा पूरा परिवार, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल,
और जो है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और आज हमारी सरकार होते हुए भी ना तो हमारी सरकार सुन रही है और ना हमारी जो है कोई प्रशासनिक पदाधिकारी सुनने का काम कर रहा है। आज आप कहाँ आए हैं? आज मैं SP कार्यालय में आया हूँ, जहाँ मुझे तिवारी जी करके PRO मिले। उन्होंने कहा कि जो है आपको 12 बजे से पूर्व आना चाहिए, आप लेट आए हैं, और अब मैं 12 बजे से पहले नहीं आ सका, इस कारण मजबूर होकर के आज मैं वापस जा रहा हूँ। कल पुनः हमारा परिवार यहाँ आकर के SP साहब को अप्लीकेशन देने का प्रयास करेगा, और उक्त कार्यक्रम के बाद भी यदि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो श्रीमान जी मैं अपने पूरे रिश्तेदारों के सहित अपना एक काफिला बना करके 10-50 गाड़ियों का सारे इष्ट मित्रों को एकत्रित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना दूंगा, वहीं आमरण अनशन करूंगा, सबने उपवास धरना करूंगा, और अंत में वहीं आत्मदाह करके कंडे रख करके और अपनी अर्थी सजा करके जो है मरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत ज़्यादा अच्छी लगती है। श्रीमान जी मैं बहुत परेशान हूँ।